हेलो डॉक्टर्स, चैनल मेडिकल स्वामी में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको MPMS से जुड़ी और हेल्थ केयर एसोसिएशन से जुड़ी हर एक न्यूज़ अपडेटेड मिलती रहे। साथ ही हम लोग होम्योपैथी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, सब्जेक्ट वाइज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी हम लोग लाने वाले हैं जल्दी। थोड़ा सा हमें समय लग रहा है, लेकिन ऑब्स गायनी के सेशन शुरू होने वाले हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो एक इजी नोट्स के फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे कि उसको आप एज अ एग्ज़ाम नोट भी ले सकते हो और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे ले सकते हो। आज की जो न्यूज़ है, आज का जो नोटिफिकेशन है, वो MPMS से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए एक न्यूज़ है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के डोज। हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही ड्रेडेड इन्फेक्शियस डिसीज़ है। मैंने एक केस देखा था जिसमें सर्जरी हुई थी तो हेपेटाइटिस बी के ट्यूमर साथ में कुछ हो गया था उन्हें, तो उसकी सर्जरी कम से कम 4 घंटे तक चली थी एंड मैं आधी सर्जरी में बाहर आ गई थी। मुझे वो भी याद है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मतलब वो पेशेंट को देख करके लगता है कि सच में किसी को ना हो तो अच्छा है। तो सरकार का ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगेगा। किस किस को लगेगा? डॉक्टर से लेकर के आशा कार्यकर्ताओं को लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर थामने के बाद अब सरकार कोरोना योद्धाओं को हेपेटाइटिस बी जैसी खतरनाक बीमारी से सुरक्षा कवच देने जा रही है। प्रदेश में करीब 1.38 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन लगाई जाएगी। करीब 5 लाख डोज सभी जिलों को भेजे जा चुके हैं, डोजेस आ चुके हैं, जल्दी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। हेल्थ वर्कर्स को मरीजों के खून, यूज सिरिंज, उल्टी, पेशाब आदि से हेपेटाइटिस का खतरा ज़्यादा रहता है। संपूर्ण टीकाकरण के लिए इन्हें 3 डोज लगाना ज़रूरी है। पहला डोज लगने के 1 महीने बाद सेकेंड डोज लगेगा और सेकेंड डोज के 6 मंथ्स बाद में थर्ड डोज लगेगा। ऐसे ही 3 डोज हर एक को लगाए जाएंगे, मेडिकल रिलेटेड फील्ड वालों को, फ्रॉम डॉक्टर टू द वार्ड बॉय। कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनको हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन के 3 डोज लगाए जाएंगे। वैक्सीन जिले को उपलब्ध करा दी गई है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि सारे जिलों में लगाया जाए। बहुत अच्छी बात है, कुछ तो सरकार कर रही है हमारे लिए। इसके अलावा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम लोग आपको छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दी वीडियो टिल एंड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।